ओ बोलो बोलो हो जा हो जा बोलो दोस्तों, ये जो फुटेज आपने देखा है ये कहीं से डाउनलोड किया हुआ फुटेज नहीं है, बल्कि ये मैंने खुद काजीरंगा नेशनल पार्क असम से फिल्माया था, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे एक बेबी राइनो जिप्सी का पीछा कर रहा है। दोस्तों, आप इस राइनो के विशालकाय शरीर को देख जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये तो बुढ़ा हो चुका है, पर आपको बता दूं ये दरअसल अभी बच्चा है, क्योंकि इसके नाक में लगे ये सिंग अभी बस निकलना शुरू ही हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं ये एक वन हॉर्न राइनो है। नाक पर सिंग लिए हुए इस विशालकाय जानवर को आपने फिल्मों में या तस्वीरों में जरूर देखा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ऐसे और भी ओरिजिनल फुटेज देखने को मिलेगा, सो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हिरण एफएक्स। ये गेंडे दिखने में जितने शांत होते हैं उतने ही ताकतवर भी होते हैं। उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही दशकों में ये जानवर धरती से विलुप्त ही हो जाए। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि धरती पर गेंडे सबसे पहले लगभग 5 करोड़ साल पहले पाए गए थे। विश्व में कुल 5 तरह के गेंडे पाए जाते हैं, 2 अफ्रीकी और 3 एशियाई। अफ्रीकी गेंडे काले और सफेद रंगों में पाए जाते हैं, और एशियाई में इंडियन, सुमात्रा और जावा गेंडे ये 3 प्रजाति में पाए जाते हैं। इन 5 में से 3 प्रजाति काले, सुमात्रा और जावा विलुप्त की कगार पर खड़ी है। आज के समय लगभग 70 जावा और 100 सुमात्रा गेंडे ही विश्व भर में बचे हैं। ये भयानक जानवर अपने विशाल सिंगों के लिए जाने जाते हैं, जो इनकी नाक के ऊपर से निकला होता है। इनके नाम राइनोसोरस का मतलब ही होता है नाक का सिंग, यानी राइनो मीन्स नोज एंड सेरोस मीन्स हॉर्न, जिसे हम सिंग कहते हैं। जावा और इंडियन गेंडे के पास केवल एक ही सिंग होता है, जबकि सफेद, काले और सुमात्रा गेंडे के पास 2 सिंग होते हैं। गेंडे 6 फीट ऊंचे और 11 फीट लंबे विशालकाय जानवर होते हैं। सफेद गेंडे आकार में सबसे बड़े होते हैं, जिनका वजन 3500 किलोग्राम तक होता है। सुमात्रा गेंडे की प्रजाति सबसे छोटी होती है, फिर भी उनका वजन 600 किलोग्राम तक होता है। गेंडे का जीवन काल 35 से 40 साल तक का होता है। काले और सफेद गेंडे को उनके रंग के आधार पर नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि दोनों ही तरह के गेंडे रंग में ग्रे होते हैं। दरअसल सफेद यानी व्हाइट गेंडे को अफ्रीकी भाषा में WYD कहा जाता था, जिसका मतलब चौड़ा यानी वाइड होता है, और ऐसा अफ्रीकी लोग गेंडे के चौड़े मुंह के कारण कहते थे। अंग्रेजों ने उस वाइट शब्द को गलती से वाइट समझ लिया, उसे वाइट गेंडे का नाम दे दिया गया। काला गेंडा भी देखने में ग्रे रंग का ही होता है, लेकिन गंदे कीचड़ में रहने के कारण वे काले दिखते हैं, और इसी से उनको काले प्रजाति में रखा गया है। आपको बता दूं कि गेंडा ही केवल ऐसा जानवर है जो आग से नहीं डरता है। आग से दूर भागने के बजाय ये आग की तरफ ही दौड़ पड़ता है। गेंडा हर रोज औसतन 8 घंटे सोता है, और वो घोड़ों की तरह पैरों पर खड़े होकर और जमीन पर लेटकर दोनों तरीकों से सो सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि शेर हर जानवर से लड़ जाते हैं, लेकिन गेंदों से भिड़ने का साहस वे नहीं कर पाते हैं। अगर कभी वे किसी जानवर का शिकार कर भी रहे होते तो गेंदों के आसपास भी आ जाने से वे उस जानवर का शिकार छोड़ देते हैं। हम मुख्य रूप से 5 तरह के गेंडों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत समय पहले घने बालों वाले गेंडों की प्रजाति धरती पर यूरोप में रहती थी, जिसकी खाल बहुत मोटी हुआ करती थी, लेकिन 10,000 साल पहले ही वे धरती से विलुप्त हो चुके हैं। गेंडे के सिंग कैरेटिन से बने होते हैं, ये वही पदार्थ है जिससे हमारे बाल और नाखून बने हुए हैं। कैरेटिन के बने होने के कारण गेंडे के सिंग जीवन भर बढ़ते रहते हैं, और सिंगों के बढ़ने की रफ्तार करीब 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। अब तक गेंडों की जो सिंग सबसे बड़ी पाई गई है उसकी लंबाई 4 फीट 9 इंच है। गेंडे के इतने विशाल शरीर और बेशुमार ताकत होने के बावजूद भी वे शाकाहारी होते हैं, और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर को नहीं मारते हैं। वे भोजन के रूप में घास, फल, पत्तियां और झाड़ियां खाकर अपना पेट भरते हैं, और इनके भोजन करने का समय अक्सर रात, भोर या शाम होता है। गेंडे के इतने विशाल शरीर और बेशुमार ताकत होने के बावजूद भी वे शाकाहारी होते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर को नहीं मारते हैं। वे भोजन के रूप में घास, फल, पत्तियां और झाड़ियां खाकर अपना पेट भरते हैं। इतना विशालकाय होने के बावजूद भी ये किसी को परेशान नहीं करते हैं, ना ही किसी जानवर को मारकर उसका मांस खाते हैं, बल्कि ये अपना जीवन घास फूस खाके ही जीते हैं। फिर भी कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो ऐसे प्यारे से विलुप्त हो रहे जानवर को बड़ी बेरहमी से मारकर उनका सिंग चोरी कर ले जाते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को अगर आप प्यार देंगे तो मैं राइनो के बारे में दूसरा वीडियो जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि राइनो के बारे में ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स और भी है जिसे मैं एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, और चैनल पर नया है हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।